कृष्णा, आज मैं आपको फर की ऊन बताऊंगी। ये देखिए, ये हमारी फर की वूल होती है। मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं कि हम फर की वूल के साथ किस तरह से वर्क कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊं। तो देखिए, एक फर की वूल ये है, एक फर की वूल इस तरह की है। सैंपल मेरे पास ये है, ये मल्टी कलर के अंदर है, ये टू कलर है, रेड एंड येल्लो मिला हुआ इस तरह की ऊन है। तो ऐसे हमें मार्केट के अंदर बहुत सारे डिफरेंट तरह की फर की ऊन मिलेंगी। अब इसको हम किस तरह से वर्क कर सकते हैं? अगर आप क्रोशिया के साथ, अगर आप क्रोशिया के साथ फर की ऊन के ऊपर वर्क करना चाहती हैं, तो देखिए ये मैंने छोटा सा बनाया है, ठीक है, इस तरह से बना सकते हैं। देखिए मेरा बिल्कुल स्ट्रेट आया है। इसके अंदर सिर्फ थोड़ा सा हमें हिसाब लगाना होता है और गिन गिन के फंदे करने होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, फर की ऊन का बेसिकली कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज है। इसका एडवांटेज क्या है? ये इतनी प्यारी और इतनी सॉफ्ट होती है और इतनी गर्म रहती है, इसको यूज करना, इसकी पोशाक बनाना, इसके बिस्तर बनाना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। ये इसके अंदर अगर मान लीजिए हमारा कोई फंदा रह जाता है, कोई छेद हो जाता है, तो वो हमें नहीं दिखेगा इसके अंदर। इसको इसको यूज करने के डिसएडवांटेज क्या होंगे? एक तो इसको यूज करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हमें इसके अंदर कोई भी हमारा स्टिच ही नहीं पता चलता, तो हमें यूज करना मुश्किल होता है। दूसरी प्रॉब्लम इसके अंदर आती है कि हम कोई डिजाइन नहीं डाल सकते हैं, तो ये प्लेन इसी तरह की बनती है, ठीक है। अब देखिए, अगर आप कभी भी इसका बनाते हैं तो नॉर्मल उसकी तरह ही हम लेंगे, ठीक है, बल डाला। अब यहां पे आप फिंगर से टच करके, इस तरह फिंगर से फील करके अपना स्टिच देख सकती हैं। ऊपर पुल कीजिए, इसके अंदर बड़े स्टिच बनेंगे। इसको हम टाइट नहीं बनाते, बहुत लूज हाथ से बनाते हैं। इस तरह से तीन का जोड़, दो का एक करा, ये देखिए ये हमारा स्टिच हो गया। अब आपको स्टिच थोड़ा क्लियर नहीं दिखेगा, क्योंकि हमारी वूल ही इस तरह की है। फिर मैंने बल लिया, अब ये फिंगर से अपना टच करा, यहां पे मुझे अपना दूसरा स्टिच पता चला, यहां पे मैंने तीन का दो और दो का एक किया। इसका सबसे बेस्ट तरीका होता है इसको स्टिचेस को काउंट करके करें, क्योंकि अगर कोई एक स्टिच कम या ज्यादा होगा तो वो टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने काउंट कर रखे हैं, जैसे अगर आपने 30 स्टिचेस डाल रखे हैं, तो आपको पता है एक रो के अंदर 30 डाल रहे हैं। अगर मान लीजिए मेरा यहाँ का एक होल रह गया और मैंने गलती से इसमें डाल दिया, इस स्टिच के अंदर कर दिया, तो उन दैट केस मैं ये कर सकती हूँ कि अगर वहां पे आगे मैं अपना एक स्टिच बढ़ा दूंगी, तो काउंटिंग में मेरे टोटल 30 रहेंगे और नेक्स्ट रो में आके वो इक्वल हो जाएंगे। जैसे मैंने पहले बताया, अगर कोई छेद हो जाता, अगर हमारा नॉर्मल क्रोशिया के अंदर कोई स्टिच रह जाता है, तो वहां पे होल दिखता है, एक अलग से छेद दिखता है, बट इसके अंदर नहीं पता चलता। इसके अंदर हमारा पूरा इस तरह से आता है। अब फिर देखिए, बल लिया, फिंगर से फील किया, फिंगर से फील करने पे पता चलता है कि यहाँ पे होल है, उसी के अंदर इसको इंसर्ट किया, पुल किया, तीन का दो और दो का एक किया। ये खिंचता बहुत जल्दी है, मतलब बड़ा बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर लंबा स्टिच आता है। इसके अंदर पतला क्रोशिया हुक लीजिएगा, ये मैंने क्रोशिया हुक लिया है 12 का, 2.7 mm का। पतले का फायदा होता है कि इसके अंदर ये फंसेंगे नहीं, वरना इसके अंदर हमारे हुक के अंदर ही इसके ये जो रेशे होते हैं ये फंस जाते हैं, ठीक है। अब इसी तरह दोबारा डाला, निकाला और इस तरह से। अब ये पूरा एक, अगर मैं इसकी ड्रेस बनाना चाहूं कि मेरे को क्रोशिया की ड्रेस बनानी है, तो उसमें हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जैसे हम बाजू बनाने के लिए करते हैं डबल क्रोशिया, चेन डबल क्रोशिया, वो हमें नहीं पता चलेगा। बट जिस तरह हमने क्रिसमस की ड्रेस बनाई थी, जैसे हमने जैकेट बनाई थी, वो इसको हम इजिली बना सकते हैं, ठीक है। अब इसका एक और यूज करने का तरीका होता है, कोई भी हमारा क्रोशिया प्रोजेक्ट है, जो भी हमारा क्रोशिया प्रोजेक्ट है, उसके बीच में हम इसको यूज कर सकते हैं। ये बहुत सुंदर भी लगेगा और इजी भी हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कोई भी मेरा क्रोशिया प्रोजेक्ट है, उसके अंदर इस तरह से देखिए,
इसके अंदर तो हमें स्टिचेस दिख रहे हैं नीचे, तो जो हमारा नीचे होल हो रखा है यहाँ पे आप उसको इजिली कर पाएंगी। यहाँ पे डाला 3 का 2 और 2 का 1 कर दिया। फिर नेक्स्ट के अंदर 3 का 2 और 2 का 1 कर दिया। ये देखिए यहाँ पे तो हमें इजिली पता चल रहा है, तो यहाँ पे हमने इंसर्ट किया, पुल किया, इसको निकाला, खींचा, लंबा करा, 3 का 2 और 2 का 1 कर दिया। बीच में आप डिजाइन बनाने के लिए इस तरह फ्लेयर यूज कर सकती हैं। जब हम उसके अंदर डिजाइन बनाते हैं तो उसमें आप इस तरह का यूज कर सकती हैं। किसी भी उसके अंदर आप इस तरह से क्रोशिया के साथ फर की वूल का यूज करके डिजाइन बना सकते हैं। तरह से आ जाएगा तो ये भी बहुत सुंदर लगता है। अगर आप चाहें तो साइड का कॉर्नर बॉर्डर बना सकती हैं, मतलब जो हम पोशाक बनाते हैं उसका इस तरह से घेरे में लगा के इसका पोशाक का बॉर्डर बना सकती हैं, बाजू पे लगा सकती हैं, तो ये बहुत सुंदर लगेगा और एक ड्रेस को डिफरेंट लुक भी देगा। आई होप आपको मेरे ये सजेशन अच्छे लगेंगे और इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी फर वाली वूल के साथ वर्क करने में। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज मुझे लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।